चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए ठंडा मौसम है, बर्फबारी है और चाय का मजा दोगुना हो जाता है। पहाड़ों में आजकल ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। बर्फबारी के लिए इंतजार भले ही करना पड़ा हो, लेकिन जब बर्फबारी हुई तो ऐसी हुई कि हर तरफ सफेद चादर बिछ गई। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अच्छी बर्फबारी हुई है, लेकिन इसके बाद वहां एवलांच का खतरा भी बना हुआ है। गुलमर्ग में तो कुछ स्कीयर इसकी चपेट में भी आ गए हैं, लेकिन अच्छी बात ये रही है कि उनका सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। नजरें जहां तक जा रही हैं, बर्फ की सफेद चादर पसरी पड़ी है। पहाड़ों पर बसे ये घर, ये सीढ़ीदार खेत, कहीं कुछ ऐसा नहीं बचा जिस पर संगमरमरी सफेदी नजर नहीं आ रही हो। इन दिनों जम्मू कश्मीर में बर्फबारी को लेकर ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। ये नजारा पूंछ का है, जहां सब कुछ जैसे बर्फ से ढक गया हो। अब रामबन की ये तस्वीर देखिए, जहां सैलानी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, वो बर्फ से खेल रहे हैं। बर्फ की मोटी चादर ने सड़क को पूरी तरह ढक दिया है। गाड़ियां बर्फ में फंसी नजर आ रही हैं। बर्फबारी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में शीतलहर भी जारी है। इसके बावजूद यहां पर्यटक यहां के नजारों का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। वो डल झील में शिकारी का आनंद ले रहे हैं। डल लेक अल्टीमेट एक्सपीरियंस, अनबिलीवेबल। और हॉस्पिटलिटी एक नंबर, और बार बार आना चाहिए, जब भी विंटर सीजन हो आना चाहिए। भारी बर्फबारी की वजह से राजौरी और रामबन समेत गुलमर्ग में नेशनल हाईवे पर बर्फ का साम्राज्य जैसा दिखता है। जगह जगह बर्फ जमी है, तो एवलांच का खतरा भी बना हुआ है। गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट में अफरवाद चोटी पर कुछ युवक स्कीइंग करते इसकी चपेट में आ गए। हालांकि गनीमत ये रही कि उस दौरान वहां स्थानीय स्कीयर मौजूद थे, जिन्होंने बहादुरी दिखाते हुए उन्हें बचा लिया। मंगलवार को कश्मीर में गुलमर्ग में एक बर्फीला तूफान, जबकि दूसरा सोनमर्ग के इलाके में आया। गुलमर्ग में गनीमत ये रही कि वहां पर इस बर्फीले तूफान की जद में कोई हताहत नहीं हुआ। तीन स्कीयर्स जो थे इस एवलांच में फंस गए थे, लेकिन उन्हें बाकी साथियों ने वहां पर बचा लिया। जबकि सोनमर्ग में श्रीनगर करगिल राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा बर्फीला तूफान आया है, जिससे कई फुट जो है बर्फ मुख्य राजमार्ग पर जमा हुई है, जिसको हटाने के प्रयास हो रहे हैं ताकि श्रीनगर करगिल राजमार्ग को यातायात के काबिल बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर में पिछले हफ्ते से लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद अब एवलांच को लेकर मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया है और उन इलाकों में जाने से लोगों को बचने के लिए कहा है जहां एवलांच का खतरा हो। अशरफ वानी, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। देखिए बर्फबारी के दिलकश नजारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से भी लगातार सामने आ रहे हैं। मनाली से लेकर धर्मशाला तक अच्छी बर्फबारी हुई है, जिससे वहां के पहाड़ों की फिजा पूरी तरह से बदली बदली नजर आ रही है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। पर्यटकों के लिए घूमने के साथ साथ इसका दीदार करना सोने पे सुहागा जैसा है। हालांकि आवाजाही पर इसका असर जरूर पड़ रहा है, लेकिन दृश्य बेहद मनोरम है। पहाड़ों में इन दिनों हर तरफ ऐसा नजारा है जिससे सफेद श्रृंगार का एहसास होता है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक में ऐसे शानदार नजारे देखने को मिल रहे हैं, जैसे हर तरफ सफेद चादर बिछी हो। रास्तों से लेकर बाग बगीचों, पेड़ पौधों से लेकर घर तक सब बर्फ से लदे हुए हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की हैं, जहां की छटा इन दिनों खूब मनमोहक है। हालांकि सड़क पर बर्फ की मोटी परत जमने से यातायात में कुछ दिक्कत भी जरूर हुई। मनाली लेह रोड पर जमी बर्फ को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के इन पहाड़ों की छटा देखिए, जहां सब कुछ सफेद सफेद नजर आ रहा है। धौलाधार पर्वत की ये दृश्य बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है।
हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी अच्छी बर्फबारी हुई है। औली में जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे बर्फ ही बर्फ बिछी नजर आएगी। पेड़ पौधों से लेकर घर तक सब बर्फ से ढक गए हैं। केदारनाथ धाम भी पूरी तरह से बर्फ की चपेट में है। केदार नगरी पर 4 फीट तक बर्फ की परत जमी हुई है। इन दिनों धाम में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मुख्य मंदिर के आगे स्थित नंदी की प्रतिमा तक पर बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी पर्यटकों के लिए तो बेहद खास है, क्योंकि जब वो पहाड़ों का रुख करते हैं तो उनकी लालसा बर्फबारी का लुत्फ उठाने की रहती है। हालांकि इस बार देर से बर्फबारी हुई, लेकिन हुई तो जबरदस्त, जिसने पर्यटकों के चेहरे खिला दिए। लेकिन रास्तों पर बर्फ की मोटी परतें जमने से आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सोमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड, हिमाचल या फिर कश्मीर ही नहीं, दुनिया के कई देशों में बर्फबारी इस वक्त हो रही है। जापान की राजधानी टोक्यो तो बर्फबारी से नहाई हुई है। और वहीं ये बर्फबारी चीन को चुनौती भी दे रही है, क्योंकि भीषण बर्फबारी से हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। हालांकि इन्हें राहत दिलाने की कोशिश भी हो रही है। जापान की राजधानी टोक्यो में बर्फबारी होते ही लोगों ने छतरियां निकाल ली और चंद मिनटों में पूरा इलाका इन रंग बिरंगी छतरियों से सज गया। फिर वहां आसमान से रुई के फाहों की तरह गिरी बर्फ के बीच शुरू हुआ फोटोशूट। कोई सेल्फी लेता नजर आया तो कुछ मौसम के इस हसीन नजारे को अपने कैमरे में कैद करते दिखे। आलम ये रहा कि बर्फबारी ने टोक्यो के इस मार्केट की रंगत बढ़ा दी और खाने पीने के शौकीनों से दुकानें भर गईं। टोक्यो शहर के दूसरे हिस्सों में भी काफी बर्फबारी हुई, जिसने वहां की सुंदरता को बढ़ा दिया। जापान की तरह चीन में भी बर्फबारी का दौर चल रहा है, लेकिन वहां के हालात जापान से बिल्कुल अलग हैं। ड्रोन से ली गई चीन के हुबेई प्रांत की तस्वीरें देखिए। सड़क, हाईवे और जहां तक नजर जाए सब सफेद नजर आ रहा है। आलम यह है कि भीषण बर्फबारी से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। कई घंटों से एक जगह पर खड़ी कारों के नंबर प्लेट तक पे बर्फ जम गई और कई जगह तो लोगों को गाड़ियों में धक्का भी लगाना पड़ा। हालांकि जाम में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। बच्चों के लिए दूध, बड़ों के लिए खाना भिजवाया जा रहा है। इसके अलावा कई जगह लोगों की सुविधा के लिए कैंप भी लगवाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश और दुनिया की बर्फबारी तो आपने देख ली, लेकिन उत्तर भारत में जो ठंड और कोहरे का आलम रहा उसको लेकर अब गुड न्यूज भी जान लीजिए। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत को अब इससे बड़ी राहत के आसार हैं। जानिए मौसम वैज्ञानिक आने वाले समय में मौसम को लेकर क्या बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर से बदल गया है। बारिश के बाद अब मौसम थोड़ा खिला खिला है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और क्या फिर बारिश होने वाली, हम समझेंगे मौसम वैज्ञानिक कुलदीप सर से। सर, मुझे लगता है लंबे इंतजार के बाद बारिश आई है और जिसका लोग इंतजार कर रहे थे कि धूप दिखे, धूप दिखने लगी। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, जनवरी में कोई हमारे पास पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं था तो इससे बारिश नहीं हुई थी। फरवरी के शुरुआत में ही हमारे पास दो बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे, जिनके चलते आप देखेंगे कि अच्छी बारिश हमारे पास हुई है और जो फरवरी का कोटा है वो दो ही बारिश में हमारे पास पूरा हो चुका है। और उसके बाद चूंकि दोनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी प्रभाव खत्म हो चुका है और दोनों से एसोसिएटेड जो क्लाउड है, रेनफॉल एक्टिविटी खत्म हो गई है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी ड्राई कंडीशन चल रही है। बारिश होती है, AQI जो है वो सुधर जाता है, अभी पुअर से मॉडरेट सिचुएशन में आ गया, तो क्या आने वाले दिनों में बारिश होगी, नंबर वन। और नंबर टू ये, क्योंकि हमारे जो दिल्ली NCR में रह रहे लोग हैं वो ये भी जानना चाहते होंगे कि कहीं वो जनवरी और दिसंबर वाली जो कपकपाती ठंड है वो तो अब नहीं लौटने वाली। देखिए, फिलहाल तो इस वीक में कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इफेक्ट नहीं करने जा रहा है तो बारिश नहीं आएगी हमारे पास। एटलीस्ट इस वीक में आप कह सकते हैं कि 12 तारीख तक फिलहाल बारिश होने के दिल्ली NCR में कोई चांसेस नहीं है। और जो कपकपाती ठंड है वो भी हमारे पास निश्चित तौर पे कम रहेगी। दिन में हवा के चलते थोड़ी सी आपको ठंड की फीलिंग हो सकती है, लेकिन चूंकि आसमान साफ रहेगा तो आपको बेहतर महसूस होता रहेगा।
तो वेदर फिलहाल अभी हमारे पास कंफर्टेबल रहने वाला है। और जैसा कि हमारे पास जो इंटेंस आप कह सकते हैं ठंड का पीरियड जो कि फॉग या ओवरऑल मिलाकर के जो 20 दिसंबर से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक होता है तो वो निकल चुका है। और चलिए अब बात करते हैं कूल कैप्टन एक्स कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान हैं, रांची के देवड़ी मंदिर पहुंचे और मां काली की यहां पहुंचकर पूजा अर्चना की, माही मां की आरती में भी शामिल हुए। आपको जैसा कि पता हो कि हमेशा माही कभी भी क्रिकेट जब खेलने जाते थे, बड़ा टूर्नामेंट होता था तो देवड़ी मंदिर जरूर जाते थे, इसीलिए वहां पर अब पहले के मुकाबले अगर अब जाएंगे शगुफ्ता, क्योंकि वो हमारे घर के रास्ते में ही आता है, जमशेदपुर जाने के रास्ते में रांची है और वहां पर ये देवड़ी मंदिर है, तो वहां पर अब पूरा जो दृश्य है आसपास का इलाका वो पूरा बदल चुका है। माना जाता है कि इस मंदिर से महेंद्र सिंह धोनी का विशेष जुड़ाव है आस्था को लेकर, और हर नए काम की शुरुआत से पहले वो मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। रांची का देवड़ी मंदिर कुछ खास है, क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की भी यहां गहरी आस्था है। यहां मां का आशीर्वाद लेने के लिए वो अक्सर पहुंचते हैं। एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी झारखंड की राजधानी रांची के खूंटी इलाके में इस खास मंदिर में पहुंचे। मंदिर में धोनी ने विधिवत पूजा अर्चना की और माता की नियमित आरती में भी शामिल हुए। धोनी के मंदिर परिसर में पहुंचते ही फैंस की भीड़ लग गई। धोनी ने भी हाथ हिलाकर प्रशंसकों का अभिवादन किया। वो हमर गाड़ी से देवड़ी मंदिर पहुंचे थे, पूजा अर्चना के बाद वो रांची लौट गए। धोनी की माँ देवड़ी में अटूट आस्था है, क्योंकि माँ की महिमा को लोग यहाँ अपरंपार मानते हैं। लोगों का कहना है कि अगर सच्चे मन से माँ की पूजा की जाए तो माँ मनोकामनाएं जरूर पूरी करती हैं। देवड़ी मंदिर करीब 700 साल पुराना माना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पूर्व मध्य काल में तकरीबन 1300 ईस्वी के आसपास हुई थी। यहाँ पर माँ काली की करीब 3.5 फुट ऊंची 16 भुजाओं वाली प्रतिमा है, जबकि आमतौर पर काली माँ के 8 से 10 हाथ ही देखे जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी एमएस धोनी को मौका मिलता है माँ के पास जाकर दर्शन और आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। अब वक्त भी आने वाला है आईपीएल 2024 का, शायद इसीलिए एमएस अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स और खुद के परफॉर्मेंस की सफलता के लिए माँ के दरबार में पहुंचे थे, क्योंकि अभी तक ऐसा ही देखा गया है। जब कैप्टन कूल के नाम से विख्यात धोनी हर बड़े इम्तिहान से पहले माँ का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। सत्यजीत कुमार, रांची, गुड न्यूज़ टुडे। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट का वो सितारा है जिसने टीम इंडिया को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है और अपनी कप्तानी में हर टूर्नामेंट में अपनी काबिलियत साबित की है। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं कि उनकी सफलता के पीछे देवड़ी मंदिर वाली माँ काली का आशीर्वाद भी था, इसलिए जब भी मौका मिलता है महेंद्र सिंह धोनी रांची के खूंटी में स्थित देवड़ी मंदिर जाना नहीं भूलते। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 60 किलोमीटर दूर देवड़ी मंदिर के नाम से मशहूर आस्था के इस अलौकिक धाम से धोनी का खास रिश्ता है। धोनी अपना हर बड़ा काम शुरू करने से पहले यहां मां के दर्शन के लिए आते हैं। क्रिकेट के बड़े टूर्नामेंट्स के पहले और बाद में भी माही देवड़ी मंदिर आना नहीं भूलते थे। कहते हैं एक वक्त था जब धोनी को प्रतिभा के बाद भी बड़ी सफलता नहीं मिल रही थी, तभी वो माँ देवड़ी के दरबार में पहुंचे, आशीर्वाद लिया और उनको सफलता मिलने लगी। तब से माही जब भी रांची में आते हैं तब वो माँ का दर्शन करना नहीं भूलते। महेंद्र सिंह धोनी ही टीम इंडिया के पहले कप्तान रहे हैं जिनके कार्यकाल में टीम इंडिया ने हर वो बुलंदी हासिल की जो क्रिकेट जगत के लिए बड़ी मानी जाती है, और कहते भी हैं कि इसमें माही की मेहनत के साथ माँ देवड़ी का आशीर्वाद भी वरदान बनकर उन्हें मिला। 2011 में टीम इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता तो दूसरे ही दिन महेंद्र सिंह बिना बाल के नजर आए। कहा जाता है कि माही ने माँ से मनोकामना मांगी थी, अगर वो वर्ल्ड कप जीतेंगे तो अपने बाल माँ के चरणों में समर्पित करेंगे। अब नया सीजन, नई चुनौती और दिल में नई मन्नत। आईपीएल में कामयाबी के लिए पूर्व कप्तान ने माँ से आशीर्वाद मांगा, क्योंकि माही अपने क्रिकेट करियर के आखिरी पारी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हर नई शुरुआत के पहले इसी मंदिर में वरदान के लिए आते हैं। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
देखिए अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ना लगातार जारी है। आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ अयोध्या पहुंचे और बाल राम के दर्शन के साथ भाव विभोर हो उठे। खास हो या आम, सबकी अभिलाषा रामलला के दर्शन की, और इसलिए देश के अलग अलग जगहों से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। आस्था स्पेशल ट्रेनें जब अयोध्या के लिए रवाना हुई तो राम भक्तों की खुशी देखते ही बन रही थी। रामलला की नगरी में उत्सव का माहौल अभी भी बना हुआ है। यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने पहुँच रहे हैं। आम हो या खास, सभी टोलियों में लगातार अयोध्या पहुँच रहे हैं। आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ अयोध्या पहुँचे। एयरपोर्ट पर पहुँचने पर सभी का जबरदस्त स्वागत किया गया। इसके बाद सभी रामलला के दर्शन के लिए पहुँचे। पूरे भक्तिभाव से दर्शन पूजन करने के बाद सभी बेहद खुश नजर आए। राम जन्मभूमि में अयोध्या में आके बहुत ही हम लोग ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, और ये तो हम सब के लिए एक ऐतिहासिक एक पल है हम सभी के लिए। सो हमारे साथ अरुणाचल से हमारे जितने भी जो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, चीफ सेक्रेटरी है, कुल मिला के हम लोग 70 लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये काफी एक इमोशनल एक फीलिंग हो रहा है यहाँ आके। अरुणाचल से आने वाले सरकार के इस जत्थे को लेकर अयोध्या में भव्य तैयारी की गई थी, जिसमें कलाकार अपने पूरे रंग में दिखाई पड़े। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से चलाई गई आस्था स्पेशल ट्रेन से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां से पहली आस्था स्पेशल ट्रेन चली तो अयोध्या जाने को लेकर इनकी खुशी देखते ही बन रही थी। श्री राम के जय घोष के साथ स्टेशन पर ही इन्होंने पूजा अर्चना और आरती भी की। पूजा अर्चना के बाद सभी भक्तिभाव से नाचते गाते ट्रेन में सवार हुए और फिर अयोध्या के लिए रवाना हुए। ट्रेन के चलने पर भी श्रद्धालु जय श्री राम का उद्घोष करते नजर आए। अयोध्या के लिए ट्रेन शुरू की गई है, बहुत ही महापर्व चल रहा है अमृत काल के समय में, और उत्तर मुंबई ले पूरे भारतवर्ष से ट्रेनें चालू हैं। हमारे लिए तो कल्पना थी, सब कल्पना की विषय था कि कभी राम मंदिर बनेगा, कभी जाएंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान राम का दर्शन करने का मिल गया है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और हम इसके कितने साक्षात हैं कि हमारे सामने भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। मुंबई के अलावा हैदराबाद से भी पहली आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई। सभी श्रद्धालु जय श्री राम का जय घोष करते हुए रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुए। रामलला के दर्शन के लिए झारखंड के बोकारो से भी श्रद्धालुओं का जत्था ट्रेन से रवाना हुआ। इस जत्थे में 1400 राम भक्त शामिल हैं, जो अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करने को लेकर बेहद खुश नजर आए। इन सब के अलावा दिल्ली से भी ट्रेन से बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या के लिए रवाना हुए। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन श्रद्धालुओं को लेकर रवाना हुई। कुल मिलाकर अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और हर किसी की यही इच्छा है कि रामलला के दर्शन कर वो धन्य हो सके। मुंबई से पारस दामा, बोकारो से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अवधपुरी में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालु उन्हें खूब चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। जगह जगह से उपहार भी भेजे गए हैं और कई ऐसे राम भक्त हैं जो अभी उपहार लेकर वहां जाने की तैयारी में हैं। उन्हीं राम भक्तों में से एक है लखनऊ की शिवानी जायसवाल, जिन्होंने रामलला के लिए मोतियों की खूबसूरत विशाल माला बनाई है और अब वो इसे अयोध्या में रामलला को समर्पित करने वाली है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। उनके दर्शन के लिए रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, राम भक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे राम भक्त हैं जो अपनी बारी की या दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने भी तैयारी की है। कई भक्तों ने बहुत सारे संकल्प किए थे, लेकिन लखनऊ की शिवानी जायसवाल ने ये संकल्प किया था कि वो 3 लाख से ज्यादा मोती जो उन्होंने कलेक्ट किए हैं उनकी माला बना करके पहनाएंगी, चढ़ाएंगी रामलला को। तो शिवानी, संकल्प आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि जो मोती हमने अलग अलग देखे थे, अब माला उनकी तैयार हो गई। जी बिल्कुल, मेरा संकल्प बहुत खूबसूरती से पूरा हुआ है। मेरी जो प्रेरणा थी, मुझे मैंने जो सोचा था
शायद उससे भी ज्यादा खूबसूरत तैयार हुई है। मैंने सोचा भी नहीं था कि प्रभु की माला इतनी ज्यादा खूबसूरत बनेगी। शायद यह तो इसलिए खूबसूरत बनी है क्योंकि ये प्रभु की माला है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की माला है। मेरे पास लगभग 11 से 15 तरीके के मोती थे, जिसमें सोने चांदी के प्लस प्लास्टिक आपके सच्चे मोती, तुलसी के मोती भी हर साइज के थे। और सबसे बड़ी बात कि माला के मोतियों का साइज डिफरेंट, तो उसको चैलेंज को पूरा करने के लिए हमने सारे मोतियों को सेग्रीगेट किया, डिफरेंट किया, उसको अलग अलग करने के बाद उसके बाद उनकी पुवाई शुरू की गई है मालाओं की। और एक लेंथ जब तक चलती रही तब तक उन माला की मोतियों की पूरी पिरोया गया है एक लाइन में। उसके बाद एक धागे के सिरों के शुरुआत से लेके और आखिरी तक उस पूरे धागे के एक ही सिरे को अंत तक चलाया गया है, क्योंकि माला की खूबसूरती का, माला के डिजाइन का प्लस माला की मजबूती का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। सब पर राम का नाम या सीता राम लिखा हुआ है। तो अब ये माला आप कब अर्पित करने जा रही है रामलला? मैं 8 फरवरी को माला अयोध्या लेके जा रही हूँ। राम राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो मैंने इस लाइन का बहुत यूज किया था जब मैं मोतियों को लेने के लिए निकली थी, तो हर किसी ने इस लाइन का मेरा पूरा मान रखा है। और ये माला लगभग 1500 मीटर की तैयार हुई है, तो मुझे बहुत खुशी है कि लोगों, ये सिर्फ मेरे से नहीं हुआ है, जो जितने भी राम भक्त हैं, जितने भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, जो उनके लिए कुछ देना चाहते थे उपहार स्वरूप, ये उन सबका प्यार है। तो मैं उन सभी का प्यार प्रभु श्री रामचंद्र जी, बिल्कुल उन सभी का प्यार, उन सभी की भक्ति आस्था और इस खूबसूरत माला के जरिए वो संकल्प भी पूरा होने वाला है, क्योंकि राम भक्तों ने भी अलग अलग संकल्प किया था। और अब जब बालक राम रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये माला जो करीब 3 लाख मोतियों की है और 1500 मीटर की है, ये माला भी उनको अर्पित करने के लिए शिवानी जायसवाल यहां से लेकर के जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। और आइए बात करते हैं असम में मनाए जाने वाले पोइलिंग महोत्सव की। और ये महोत्सव देश की संस्कृति को महान बनाने वालों की याद का प्रतीक है। इसमें शामिल होने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। जी हाँ, देखिए इस महोत्सव की खास पहचान है यात्रा में शामिल होने वाला रथ, जिसमें संत वेन इंद्र बंगसा के स्मृति शेष रखे जाते हैं। उत्सव के समापन का ये विशेष तस्वीर आप भी देखिए। ये यात्रा है अविराम बौद्धिक सफर की। ये यात्रा है अनवरत ज्योतिर्मय रहने वाले भारत के सांस्कृतिक धरोहर की। राजकीय सम्मान का बिगुल और सांस्कृतिक विरासत से सजी नाव, ये मौका है भिक्षु संघ के संघनायक रहे वेन इंद्र बंगसा महाथेरा को याद करने का। हर साल पुइलिंग महोत्सव के रूप में उन्हें श्रद्धांजलि दिए जाने की परंपरा है। वेन इंद्र बंगसा का जन्म 1947 में हुआ था और 2019 में उन्होंने बौद्ध मंदिर में अंतिम सांस ली। केवल 7 साल की उम्र में वेन महाथेरा ने मठ जीवन में प्रवेश कर लिया। उसके बाद उनकी सामाजिक और धार्मिक यात्रा निर्वाण तक जारी रही। उनके किए काम आज भी लोगों के मन में पूरी तरह रचे बसे हैं। उनका जो इस समाज के लिए जो दे गए थे, वो संस्कृति क्षेत्रों में हो, साहित्य क्षेत्रों में हो और सामाजिक क्षेत्रों में हो, ये बहुत मूल्यवान रहा। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले न्यू जेनरेशन ने उनका जो कंट्रीब्यूशन, इस कंट्रीब्यूशन को अच्छा से मूल्यांकन करे। पुइलिंग महोत्सव में कैटाफॉल्स के तौर पर बनाई गई एक रथ को खींचने की परंपरा है। इस रथ पर दिवंगत वेन की स्मृति अवशेष रखे गए हैं। मान्यता है कि इस रथ के साथ वेन इंद्रबंगसा भी उत्सव में शरीक होते हैं। उत्सव के आखिर में रथ में आग लगा दी जाती है, जो प्रतीक है दिवंगत भिक्षु के मठवासी यात्रा के समापन की। यह महोत्सव केवल महाथेरा को याद करने तक सीमित नहीं है, यह उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्होंने समाज और संस्कृति के विकास में अपना योगदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
आपको बता दें कि दिल्ली में आने वाले समय में आपको यमुना आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिल सकता है। इसके लिए यमुना के एक घाट को विशेष रूप से सजाया सवारा जा रहा है। यमुना के वासुदेव घाट पर ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी में होने वाले भव्य गंगा आरती की तरह ही यमुना आरती की तैयारियां हो रही हैं। इसी को लेकर इस घाट पर सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के यमुना घाट पे। इस घाट का नाम पहले कुत्सिया घाट हुआ करता था, जिसे बदल के अब वसुदेव घाट रख दिया गया है। घाट का नाम बदला तो स्थिति और तस्वीरें दोनों ही बदल गई। पहले इस घाट में कचरा पड़ा होता था, घाट पूरी तरीके से वीरान रहता था, लेकिन जब से इस घाट का नाम वसुदेव घाट पड़ा है, तस्वीरें इतनी सुंदर हैं कि ट्यूलिप के जो है फूल यहाँ पे उगे दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर मंडप बना दिए गए हैं, लाल पत्थर से जो है वो मूर्तियां बनाई गई हैं हाथी की, और पूरा जो 1.5 किलोमीटर का ये पैच है, इसका 2 साल से सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। सरकार की कोशिश है कि बनारस की तरह, हरिद्वार की तरह राजधानी दिल्ली के घाटों पे भी यमुना की आरती हो सके। जो सौंदर्यकरण है वो इस घाट का पूरी तरीके से किया जा रहा है, और DDA का कहना है कि अप्रैल तक इस घाट का पूरी तरीके से सौंदर्यकरण हो जाएगा, उसके बाद जो है वो यहाँ पे आसानी से जो है यमुना की आरती कर पाएंगे। घाट के ठीक नीचे जो है वो सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं, एक पूरा पैच बनाया जा रहा है जहाँ पे लोग शाम को आके जो है वो वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। इस घाट को सौंदर्यकरण करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमने आपको बता दें, देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण कर दुनिया को ये दिखा दिया है कि भारत तकनीक और ताकत के मामले में किसी से कम नहीं है। हिंदुस्तान जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही मानता है। हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल फैसिलिटी से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जा सकेगा। हाइपरसोनिक युग में हिंदुस्तान के बढ़ते कदम की तस्दीक कर रही हैं ये तस्वीरें। IIT कानपुर ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल फैसिलिटी विकसित कर दुनिया को यह दिखा दिया है कि ताकत और तकनीक के मामले में भारत किसी से कम नहीं। हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल सुविधा को S2 का नाम दिया गया है, जिसे जिगर ठंडा टनल भी कहा जा रहा है। हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल 24 मीटर लंबी है, जिसमें 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार हासिल करने वाली टेस्टिंग होगी। इस परीक्षण सुविधा से भविष्य में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल या रॉकेट लॉन्चर व्हीकल को हाइपरसोनिक रफ्तार जैसी अवस्था में सटीक परिणाम देने के लिए तैयार किया जाना आसान होगा। हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला वेपन, यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इसी रफ्तार को ताकत बनाने में जुटी है दुनिया, जिसमें भारत भी तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। This facility will be used to teach and train the next generation of students in the field of experimental hypersonics. It took us 3 years to design and develop this facility, and this facility, apart from being used for teaching hypersonics, it will also be used to cater to the needs of ongoing programs or the future missions of ISRO and DRDO. Hyper Velocity Expansion Tunnel Facility एक ऐसी उपलब्धि है जो हाइपरसोनिक रिसर्च क्षेत्र में नए मानक तैयार करने वाली है। ये देश के अहम परियोजनाओं और मिशनों के लिए घरेलू हाइपरसोनिक परीक्षण क्षमताओं के साथ भारत के अंतरिक्ष और रक्षा संगठनों को सशक्त बनाएगा। कानपुर से रंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भारत में तेजी के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेट्रो सिटीज में इनकी अच्छी खासी तादाद देखी जाती है। हालांकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की थोड़ी सी दिक्कत जरूर है। असल में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बिजली पर निर्भर करते हैं, हालांकि अब इसका भी एक सोल्यूशन निकाल लिया गया है। सरकार के सहयोग से IIT दिल्ली ने सोलर पावर से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को तैयार किया है। अब बिजली नहीं, सोलर पावर से चार्ज करिए अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी।
ये ईवी चार्जिंग स्टेशन सोलर से चार्ज होता है और फिर इसके जरिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने वाले विक्रांत सिंह बताते हैं कि इस सोलर पावर चार्जिंग स्टेशन में हर एक घंटे में 6 यूनिट बिजली तैयार होती है। एक दिन में इससे बनने वाली बिजली से एक कार, 6 ई रिक्शा और 5 इलेक्ट्रिक बाइक्स को चार्ज किया जा सकता है। इस सोलर स्टेशन से गाड़ियां रात में भी चार्ज हो सकती हैं। तो ये एक घंटे में 6 यूनिट की एनर्जी जनरेट करता है, तो पूरे दिन में लगभग ये 50 यूनिट की बिजली लगभग ये जनरेट कर लेता है। ये पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर है जो 22% की 22% की करीब करीब एनर्जी जनरेट करता है। तो इस एनर्जी से हम लोग एक कार यूज चार्ज कर सकते हैं, 6 ई रिक्शा चार्ज करते हैं और 5 टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक जो आपकी टू व्हीलर्स है उनको हम चार्ज कर सकते हैं। IIT दिल्ली के जिन प्रोफेसर की देखरेख में ये तैयार हुआ है वो कहते हैं कि वो बैटरी जो कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लायक नहीं रही, उन्हें एक सेकंड लाइफ इस सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से मिल जाती है। एक तरह से ये स्टेशन रिन्यूएबल एनर्जी को भी प्रमोट करता है। इन बैटरी को भी 4 से 5 साल तक आराम से इस स्टेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर से हम जो पावर जनरेट कर रहे हैं वो पावर को हम यूटिलाइज करके बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। बट यहाँ एक चीज ध्यान में रखना है, जो बैटरी हम चार्ज कर रहे हैं वो नया बैटरी नहीं है, वो सेकेंड लाइफ बैटरी है। जो बैटरी ऑलरेडी डिस्कार्ड हो चुका है आइदर एट द उनका टेस्टिंग फेज से और दूसरे सपोज गाड़ी से वो रिजेक्ट हो चुका है, बट उसमें कैपेसिटी अभी बचा है, 60-70 कभी कभी 80% कैपेसिटी बचा हुआ है। IIT दिल्ली ने इसे ड्राइव क्लस्टर के तहत एक प्रोजेक्ट के रूप में प्रोटोटाइप तैयार किया है। ड्राइव यानी दिल्ली रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन एंड इनोवेशन भारत सरकार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक क्लस्टर है। ड्राइव की CEO कहती है कि इसे जल्दी ही दिल्ली सरकार के साथ भी शुरू किया जाएगा। गवर्नमेंट की काफ़ी एम्फोसिस है रिन्यूएबल एनर्जी पे, यू नो फोकस है, उसके तहत हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में ईवी काफ़ी तेजी से रोल आउट हो रहा है, बोथ पर्सनल व्हीकल्स में एज वेल एज बसेस आ रही हैं। तो जैसे जैसे ईवी और रोल आउट हो रहा है हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन एनर्जी की जरूरत है इस स्पेस में। 6 KV के सोलर स्टेशन को तैयार करने में लगभग 3 लाख रुपए का खर्च आता है। एक बार स्टेशन तैयार होने के बाद सोलर पैनल लगभग 25 साल तक चलते हैं। भविष्य इसका इस तरह से दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में इस तरह का प्रोटोटाइप एक नई क्रांति ला सकता है। कई सरकारों से बातचीत चल रही है, देखना यह है कि आगे कौन कौन से स्टेट्स आगे आकर इसको अपने हाथों में लेते हैं और कैसे जो एनर्जी की बात हो रही है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की खपत को कम करना है उसकी तरफ भी ये एक नया कदम बढ़ाते हुए दिखाई पड़ता है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ मनीष अरोसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। कहते हैं कला किसी पहचान की मोहताज नहीं होती है, ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है। दरअसल जर्मनी में एक कलाकार ने कुछ इस तरह क्रिएटिविटी दिखाई कि लोग हैरत में पड़ गए। आखिर इस कलाकार ने ऐसा क्या किया, देखिए इस रिपोर्ट में। अब तक आपने कमरे या हॉल में पियानो बजते देखा होगा, और तो और आपने बड़े समारोह के दौरान मंच पर पियानो बजते देखे या सुने होंगे, लेकिन यहाँ जरा हटकर पियानो बजाया जा रहा है। दरअसल ये पियानो बज रहा है हवा में। यकीन नहीं हो रहा तो जरा बारीकी से यहाँ नजर टिकाइए, है ना हवा में पियानो की गूंज। असल में इस पियानो और उसे बजा रहे म्यूजिशियन को क्रेन की मदद से उठाया गया है। ये जगह है जर्मनी का म्यूनिक शहर, जहां स्विट्जरलैंड के पियानिस्ट एलन रोच रोज सुबह कुछ ऐसा ही करते हैं। यानी सूरज उगने से ठीक पहले, रोज के मुताबिक उन्होंने पिछले साल दिसंबर में ऐसा शुरू किया था और वो लगातार 182 दिनों तक ऐसा ही करेंगे। Pour moi, l'idée de When the Sun Stands Still, c'est de se confronter à la transformation. Et pour une œuvre artistique et pour moi-même, apprendre ce que c'est de se transformer lentement. Alan का कहना है कि वो प्रकृति की आवाज महसूस करते हैं, फिर उसी की मदद से इस अनोखे तरीके से हवा में पियानो बजाते हैं।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलन रोज को ही इसका शौक है, बल्कि यहाँ बड़ी संख्या में संगीत के मुरीद भी उनके इस शो को देखने पहुँचते हैं, वो भी पूरी शिद्दत के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं अंटार्कटिका के ट्रॉल रिसर्च स्टेशन पर। ये ऐसा इलाका है जहां बड़ी बड़ी रिसर्च की जाती है, लेकिन अभी तक यहां कोई नेटवर्क नहीं पहुंच पाया। लोग रिसर्च करने के लिए यहां आते तो उनका अपने परिजन और बाहरी इलाके से संपर्क टूट जाता था, लेकिन अब लोगों की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बड़े बड़े नेटवर्क टावर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। बर्फीली वादियों के बीच बड़े बड़े ट्रक के जरिए नेटवर्क टीम सामान लेकर जा रही है और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर टीम नेटवर्क प्लांट तैयार कर रही है। देखिए, अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि बुलंद इरादे के दम पर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। बस उसके लिए आप अपने तरीके में थोड़ा सा बदलाव करें। जिद जितनी बड़ी होगी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी, इसलिए अगर आपके कुछ अच्छे करना चाहते हैं तो उसे पूरा करने के लिए जिद का होना जरूरी है। देखिए, किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, वो अंधकारों को मिटा देती है, इसलिए आप भी किरण फैलाते रहिए ताकि उजाला आपका जबरदस्त तरीके से स्वागत करने के लिए तैयार रहे। तो इन्हीं अच्छे और प्रेरणादायी वचनों पर आप भी अमल जरूर कीजिएगा। कल चाय पीने साथ आएगा 5 बजे चाय पर चर्चा में।